हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ एकेडमी में। तो आइए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको डेली बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनकी लाइव अपडेट आपके अपने चैनल पर मिलती रहेगी, उसी श्रृंखला में या उसी सीरीज़ में जो आज की हमारी वीडियो है वो आपके सामने है। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। तो हमें लास्ट जो है एक कमेंट रिसीव हुआ कि मैम, जो रीसेंट जजमेंट की आप सीरीज़ कर रहे हो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। तो अब से आपको जो है वीडियोस जो सुप्रीम कोर्ट की है वो एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और उसमें सारी की सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। तो आज की इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले एक बारी फिर से अगर आपको कोई क्वेरी है तो 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज वीडियो। आज आते हैं, करते हैं बात। पहला केस है हमारा जो है मनीकंदन वर्सेज स्टेट ऑफ बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बेसिकली जारी किया तमिलनाडु DGP को टू टेक एक्शन अगेंस्ट RN पुलिस ऑफिसर, सेइंग पुलिस ऑफ कैन नॉट बी अलाउड टू ट्यूटर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तमिलनाडु के DGP साहब को कहा कि भैया, आप पुलिस जो है आपकी, आपके स्टेट की जो राज्य की पुलिस है उनको कहिएगा जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनको ट्यूटर ना करें, उनको पढ़ाए ना, जो उनको समझाए ना, उनको जो है बेसिकली वो किसी भी तरीके से उनके दिमाग में मैनिपुलेशन क्रिएट ना करें। फर्दर पढ़ते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी की ऑन 5th of April टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ पुलिस ऑफिसर हु वर एडवाइजिंग विटनेसेस एट द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन एंड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द नेग्लिजेंट पुलिस ऑफिसर वाइल ऑल्सो चेजिंग द तमिलनाडु पुलिस फॉर इंकरेजिंग द विटनेसेस टू टेस्टिफाई अगेंस्ट द एक्यूज। तो भैया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को ये एक स्टेटमेंट या एक डायरेक्शन जो है तमिलनाडु सरकार को भी दिया कि भैया, जो भी ऐसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो मैनिपुलेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उन मैनिपुलेशंस को रोकना है आपको, उन मैनिपुलेशंस को बेसिकली आपको रोकना है। तो मेन पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि इंकरेज, और मेन क्या आता है कि जो विटनेसेस हैं उनको इंकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है ताकि वो आकर एग्जैक्ट एक्यूज के बारे में जो आप बात करना चाहते हैं वो करें। तो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। वो है पंकज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील 1753/2023। ये क्या है, ये बेसिकली एक रेप केस की अपील है, ठीक है। तो एक्यूज्ड इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो भैया, एक चीज बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ BSA में भी है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपका एविडेंस एक्ट का हिस्सा भी था। तो अब बात की जाए तो यहां पर क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई कि एक्यूज्ड जो है उसको एविडेंसेस अपनी इनोसेंस का जो है पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। वाइल क्लियरिंग अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट अनलेस द लॉ एक्सप्रेसली प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एविडेंस टू सपोर्ट हिज एविडेंस इनोसेंस। तो भैया, यहाँ पर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी कोई ऐसा रेप का मुकदमा आता है या कोई भी ऐसा मुकदमा आता है, तो जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर नहीं आता है ताकि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे, तो एक्यूज्ड को रिक्वायर्ड नहीं होता है एज़ पर द गाइडेंस और एज़ पर द लॉ कि वो, जब तक उससे मांगा ना जाए, जब तक कानून उससे मांगे ना, वो अपनी इनोसेंस के एविडेंसेस को नहीं देगा। सो आज ये हमारी दो रिसेंट जजमेंट्स हैं। तो मिलते हैं कल जो कि आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की जो सीरीज़ है। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री PDF डाउनलोड करके हमारे यानी कि भारद्वाज लॉ एकेडमी के साथ आप प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंपैरेटिव एनालिसिस विद द इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो 10 अप्रैल 2024 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, आपको डेली बेसिस पर क्लासेस होंगे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली टेस्ट होंगे। तो अगर आपको हमारे इस बैच के साथ जुड़ना है, क्योंकि अब एविडेंस हुआ पुराना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है जमाना, BSA का है जमाना, तो भैया जैसा मैंने कहा, तो अगर आपको इस बैच के साथ जुड़ना है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर एक
कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।